हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की जो बुक है पैनोरमा। पैनोरमा का थर्ड लेसन है, लेसन का नाम क्या है? द गिटार प्लेयर और स्वयंवरा। दो पार्ट हैं लेसन के अंदर, इस लेसन के अंदर दो पार्ट हैं। पहला क्या है? द गिटार प्लेयर। दूसरा क्या है? द स्वयंवर। तो स्वयंवर है दूसरा, पहला है गिटार प्लेयर। तो ये इसकी जो राइटर हैं, राइटर कौन है? सुनीति नाम जोशी राइटर हैं इसके, सुनीति नाम जोशी। तो अब हम देखते हैं इस लेसन के अंदर क्या कहते हैं जो इसके राइटर हैं, सुनीति नाम जोशी। ओके, तो ये है जो सुनीति नाम जोशी जी, इसमें क्या बोलती हैं या इसमें क्या कहती हैं, इसके लिए हम इन दोनों पार्ट्स को, द गिटार प्लेयर और स्वयंवरा जो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अबाउट द राइटर, इसमें राइटर है जो सुनीति नाम जोशी, उसके बारे में क्या बताया इन्होंने। सुनीति नाम जोशी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कनाडा वेयर शी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। ए नंबर ऑफ ईयर्स, इसका मतलब क्या था? काफ़ी वर्षों तक। मतलब जो सुनीति नाम जोशी हैं, इनका जन्म तो हुआ था इंडिया में, लेकिन बाद में ये कनाडा चले गए जहाँ पर काफ़ी साल रहे। करंटली शी लिव्स इन द यूके यूनाइटेड किंगडम। अब वो यूनाइटेड किंगडम है जो उसमें रह रहे हैं। शी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरस पोइम्स, बहुत सारे इन्होंने पोइम्स पब्लिश की है। फेबल्स आर्टिकल्स रिव्यू बहुत सारे दिए हैं इन्होंने। हर बुक्स इंक्लूड द कन्वर्जेशंस ऑफ काउ, और जो उसकी बुक्स हैं जिसके अंदर इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया, जो सबसे फेमस है इनकी, क्या है? कन्वर्जेशंस ऑफ काउ, गायों की जो बातचीत है। आदित्य एंड वन आइड मंकी, आदित्य और एक आँख का काना जो बंदर है जो काना। द ब्लू डंकी फैबल्स, जो क्या है कि ब्लू डंकी के नाम से जो बुक्स थी इनकी। Because of India selected poems, जो Because of India नाम से कुछ poems select की हुई थी, stories थी poems की इनकी। And the mother of Mayadeep, Mayadeep की mother, ये इसकी जो books थी इनकी। अब हम बात करते हैं जो इनका पहला part है, क्या नाम है उसका? The guitar player, मतलब गिटार बजाने वाले। गिटार कौन बजा रहे हैं, हम देखते हैं कौन है इसमें गिटार बजाने वाले। A girl played on her guitar, इसमें गिटार कौन बजा रही है? एक लड़की है जो गिटार बजा रहे हैं। एंड सो इट हैपेंड दैट समवन पासिंग बाय लिसन एंड फेल इन लव विद हर। इसमें देखिए क्या है, पहली ही लाइन में इन्होंने ये बोला है कि एक लड़की है जो वो क्या कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, और जो एक पासर बाय है, पासिंग कर रहा है, वहाँ से राहगीर है, वो उसको सुनता है और उस गिटार की आवाज़ को सुनते हुए उस लड़की से प्रेम में पड़ जाता है। देखिए, उस लड़की से उसको प्रेम हो जाता है। तो इट इज़ माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल। इंक्वायर, इंक्वायर क्या होता है? पूछना। इट इज़ द म्यूजिक यू लव, इट इज़ माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और मी, या मुझे। इंक्वायर करती है लड़की, उसे क्वेश्चन करती है, उसे पूछती है कि क्या आप मेरे इस म्यूज़िक को लव कर रहे हो या फिर मुझे लव कर रहे हो। द म्यूज़िक कंटिन्यूड, वो क्वेश्चन करती है लड़का, आदमी को, उसको प्रेम हो जाता है लेकिन फिर भी वो अपना म्यूज़िक कंटिन्यू रखती है। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इन टू द एयर एंड फेल अवे। इसमें ऐसा लग रहा है म्यूजिक को सुन के कि एक झरने से, जो फाउंटेन, फाउंटेन क्या होता है? झरना, ध्यान रहे इसका मीन बता रहा हूँ मैं। फाउंटेन का, फाउंटेन क्या होता है? झरना। रोज इन टू एयर मतलब हवा में उठा पानी, एंड फेल अवे और सब कुछ बहा के ले गया। तो ऐसा लगा कि जैसे झरने से कोई पानी हवा में उड़ा और सब कुछ वहाँ से बहा के ले गया। फिर देखें नेक्स्ट, द लिसनर्स थॉट हार्ड एंड फाइनली सैड। लिसनर जो सुनने वाला है, श्रोता है, वो काफ़ी टाइम तक मुश्किल से कुछ सोचता है और अंत में कह देता है आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता। वट इज़ द राइट आंसर, कि इसका राइट आंसर क्या है? शैल नॉट टेल यू, शैंट टेल यू, कि मैं आपको नहीं बता सकता। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की कहती है कि मैं नहीं बता सकती आपको। बट दैट्स नॉट इट, लेकिन ये जो आप सोच रहे हो वो बात नहीं है। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर वो आगे वेंट ऑन प्लेइंग मतलब गिटार बजाती जाती है, गिटार बजाती जाती है। सून अनदर पासर बाई हैपन्ड टू सी हर एंड फेल आल्सो फेल इन लव। फिर जल्दी ही क्या था, दूसरा कोई पासर बाई आता है, वो वहाँ से जाता है और सुनता है आवाज़, और वो एक बार फिर से उस लड़की के प्रेम में पड़ जाता है जो दूसरा राहगीर है वो भी। इट इज़ मी योर लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार। लड़की फिर वो सेम ही क्वेश्चन करती है, क्या क्वेश्चन है लड़की का? देखिए ये इंपॉर्टेंट लग रही है लाइन जो बार बार आ रही है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लड़की क्या क्वेश्चन करती है। लड़की ये पूछती है कि क्या
आप मेरे से प्रेम करते हो या जो मेरी गिटार है उससे प्रेम करते हो। द सेकेंड पासर बाई स्टेयर होता है घूरना, टकटकी लगा के देखना। वो क्या करता है, उस टकटकी लगा के देखता है उस गिटार की तरफ, स्माइल मुस्कुराता है एंड एट गर्ल लड़की की तरफ मुस्कुराता है एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और लास्ट में हिम्मत करता है कुछ बोलने की। क्या कहता है, देखिए सेकेंड राहगीर का जो सेकेंड आदमी, उसकी आवाज़ क्या है, बात क्या है, वो कहते हैं वेल आई डोंट नो, कि अच्छा है मैं नहीं जानता, वेल आई डोंट नो मैं नहीं जानता। इट इज़ ए ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक बहुत ही सुंदर उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। वाट इज़ द राइट आंसर, कि क्या है राइट आंसर, मुझे नहीं पता। बट सी जस्ट सेड दैट इज़ वॉट इज नॉट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग। फिर वो कहती है कि नहीं, जो मैं क्वेश्चन चाहती हूँ, जो आंसर चाहती हूँ मेरे क्वेश्चन का, वो मेरे को नहीं मिला। और वो क्या है, कंटिन्यू रखती है अपना जो गिटार है वो बजाती ही जाती है। द टू पासर वाइज वर ग्रेटली प्रिप्लेक्सड, प्रिप्लेक्सड मतलब कन्फ्यूज हो गई, दोनों जो पासरवाइज थे वो कन्फ्यूज हो गए, समझ ही नहीं पाई कुछ कि ये क्या मैटर है। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, क्योंकि उसको उस गिटार की उनको आवाज़ से प्रेम हो गया था। अब ये नहीं वो क्लियर कर पा रहे थे कि उनको प्रेम उस लड़की से हुआ था या गिटार की आवाज़ से हुआ था। तो वो क्या है, पूरी रात उनके हेड्स में, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में वही गिटार की आवाज़ आती रही। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे इट वाज परफेक्टली ऑब्वियस, ऑब्वियस क्या होता है, अब ऑब्वियस होता है स्पष्ट, दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीच, कि अगले दिन वो दोनों ही उस लड़की के पास वापस आए। तो सीधी सी बात है कि स्पष्ट बात है कि जब वो वापस आए तो अपने आंसर कोई ना कोई तो लेके आए होंगे। तो जो डिक्लेयर द फर्स्ट, पहला आदमी बोलता है, वो क्या कहता है, आई वुड लव यू, कि मैं तो आपको प्यार करूँगा, इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, वो कहता है यदि आप म्यूजिक का एक नोट भी ना प्ले करो, बिल्कुल जरा सा भी म्यूजिक ना बजाओ तो भी मैं आपसे प्रेम करूँगा। एंड आई वुड लव यू, और मैं आपको लव करूँगा। स्वॉर द सेकेंड, स्वॉर, स्वॉर का अर्थ क्या होता है, शपथ लेना, कसम खाना, दूसरे ने भी कसम खा ली कि मैं तो आपसे प्रेम करूँगा। इवन इफ़ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार, ऑन का अर्थ क्या होता है, रखना अपने पास, मालिक होना, कि यदि आपके पास, आप तो इतने अच्छे म्यूजिक की बात करते हो, यदि आपके पास एक गिटार भी ना हो तो भी मैं आपसे प्रेम करूँगा, वो कहते हैं। फिर लड़की क्या कहती है, यू डोंट अंडरस्टैंड, क्या आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को, आई एम ए म्यूजिशियन, मैं क्या हूँ, एक संगीतज्ञ हूँ, विच मी डू यू लव इफ़ यू डोंट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, कि आप मेरे को कौन सा प्यार करते हो, कौन सा प्रेम करते हो, यदि आप मेरे म्यूजिक को की ही कोई केयर नहीं कर रहे। और दे सैड, वो बोलते हैं, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, कि क्या हमने आपको गलत आंसर दिया था। लड़की कहती हाँ, वेल वाट इज़ द राइट आंसर। फिर वो लड़के पूछते हैं दोनों आदमी कि हाँ तो इसका फिर सही आंसर क्या था। तब वो लड़की बोलती है, देखिए क्या कहती है, यू मस्ट लव मी ऑल टूगेदर जस्ट आई एम एज आई एम, ऑल माई गिफ्ट्स, ऑल माई पोजेशंस, एवरीथिंग आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन। वो कहती है कि यदि आप मेरे को लव करते हो तो मेरे पास जो भी मैं हूँ, मेरे पास जो मेरी वस्तुएं हैं, जिनके ऊपर मेरा अधिकार है, जो जो चीज़ें मेरे पास है, चाहे क्या है, वो अच्छी है या बुरी है, आपको हर चीज़ से अभी से ही लव करना चाहिए। जो अभी से मेरे पास है, आगे फ्यूचर में आने वाले हैं, सभी चीज़ से आपको लव करना चाहिए, सिर्फ मेरे से ही नहीं। बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, लेकिन वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, क्राइड आउट मतलब चिल्लाए, टुगेदर एक साथ, कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। यस एग्रीड द गर्ल, लड़की कहती है कि हाँ, और उनकी बात से सहमत होगी। एंड चोज ए सैड लिटल टोन टू सूट द ओकेजन, ओकेजन क्या होता है, अवसर, कि उस अवसर को सूट करने के लिए, जो उस अवसर पे बिल्कुल फिट बैठती है उसके अकॉर्डिंग, वो क्या है, लड़की दुखी हो गई, और दुखी होने के कारण उसने एक सैड छोटी सी जो ट्यून है वो ट्यून बजाई, मतलब वो छोटी सी ट्यून बजाना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसमें देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, स्वयंवरा, स्वयंवरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अब बात करते हैं इस, ये जो हमारा लेसन है, इस लेसन के ऊपर कि इसमें हमें क्या सीखने को मिला। तो इस लेसन में जो ये पार्ट है द गिटार प्लेयर, इस लेसन में ये बात की गई है कि एक लड़की है जो म्यूजिक बजाती है, रास्ते में जाने वाले दो राहगीर हैं, उनको क्या होता है, उसके म्यूजिक से प्रेम हो जाता है, म्यूजिक को सुन के प्रेम हो जाता है, लेकिन वो खुद ही नहीं सोच पाते कि मेरे को प्रेम किससे हुआ, उस लड़की से हुआ या उसके म्यूजिक से हुआ। तो लड़की दोनों से क्वेश्चन करती है, दोनों राहगीरों से बताओ।
तो क्लियर नहीं कर पाते। फिर दूसरे दिन वापस आते तो एक जना कहता है कि आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, बिल्कुल भी म्यूजिक आप ना बजाओ तो मैं आपसे लव करूंगा। फिर दूसरा कहता है कि मैं तो आपसे कसम खाता हूँ कि मैं तो आपसे लव करता ही रहूँगा, चाहे आपके पास क्या है कि एक गिटार तक भी ना हो। लेकिन वो लड़की क्या चाहती है कि जो मेरे को प्रेम करेगा वो मेरी हर एक चीज़ से प्रेम करेगा, जो मेरी अच्छाइयाँ हैं उनसे भी प्रेम करेगा, जो मेरी बुराइयाँ हैं उनसे भी प्रेम करेगा, जिनके ऊपर मेरा अधिकार है उनसे भी प्रेम करेगा। वो क्या चाहती है कि मेरी एक हर एक चीज़ को स्वीकार करे, चाहे मैं अच्छी हूँ चाहे मैं बुरी हूँ, मेरी हर एक चीज़ को स्वीकार करे जो मेरा प्रेमी होगा। लेकिन वो लड़के उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते तो वो इस तरह के जो झूठा प्रेम है उससे वो क्या है दुखी हो जाती है और एक सैड सी ट्यून बजाती है। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है, स्वयंवर।